नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमर। यहाँ मैं डिस्कस करूंगा 5,000 रुपये से कम कीमत में बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड, बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड अंडर 5,000 रुपीज। दोस्तों 5,000 रुपये से कम कीमत में अभी एक बढ़िया बेस्ट सेलिंग ग्राफिक्स कार्ड है असुस ब्रांड का। असुस जीफोर्स जीटी 710 ग्राफिक्स कार्ड की अभी की कीमत है मार्केट में 3,690 रुपये। 5,000 रुपये से कम कीमत में यह निविडिया ग्राफिक्स कार्ड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है मार्केट में। दोस्तों अब आप जानते हैं असुस ब्रांड के इस ग्राफिक्स कार्ड के बारे में विस्तार से। शुरुआत करते हैं इसके की फीचर्स और फंक्शन से। इसका साइज है 2GB और टाइप है GDDR5। इसमें दिया गया प्रोसेसर इंजन है निविडिया जीफोर्स जीटी 710। यह ग्राफिक्स कार्ड उन सारे मदरबोर्ड में फिट होगा जिसमें है PCI एक्सप्रेस स्लॉट। कोई भी CPU हो, कोई भी मदरबोर्ड हो, कोई भी RAM हो, DDR3, DDR4 कुछ भी, सब चलेगा। PCI एक्सप्रेस स्लॉट होना चाहिए मदरबोर्ड पर। इस ग्राफिक्स कार्ड के द्वारा मिलेगा मैक्स रेजोल्यूशन 2560x1600। और कमाल की बात है कि इसके लिए अलग से कूलिंग सिस्टम नहीं चाहिए। दोस्तों ग्राफिक्स कार्ड के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट जिसमें होता ग्राफिक्स इंजन और दूसरा पार्ट मेमोरी। तब आइए जानते हैं असुस ग्राफिक्स कार्ड के इन दोनों पार्ट के बारे में। पहला ग्राफिक्स इंजन जो कि है निविडिया जीफोर्स जीटी 710 और इसका कोडा कोर है 192। जिस तरह से CPU में होते हैं कोर 2, 4, 8, ठीक उसी तरह से ग्राफिक्स प्रोसेसर में भी होता है कोर, जिसको कहते हैं कोडा कोर। इस ग्राफिक्स इंजन का क्लॉक स्पीड है 954 MHz। इस ग्राफिक्स प्रोसेसर के लिए TDP है यानी कि थर्मल डिजाइन पावर, यानी कि वह पावर जो यह कंज्यूम करेगा ऑपरेट करने के लिए, वह है 19 वाट, बट इन रियलिटी होगा करीब 25 वाट। इसीलिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में दिए गए SMPS की लोड कैपेसिटी होनी चाहिए कंपनी के माने तो 300 वाट और मेरी माने तो 500 वाट। इस ग्राफिक्स इंजन का टी जंक्शन है 95 डिग्री सेल्सियस। यह वह टेम्परेचर है जिसको यह टॉलरेट कर सकता है। अगर टेम्परेचर क्रॉस करता है इस लेवल को तो ग्राफिक्स प्रोसेसर का हो सकता है कभी भी ब्रेकडाउन। और इसका लिथोग्राफी है 28 nm। nm का मतलब है नैनोमीटर। TDP जितना कम होगा उतना बढ़िया, टी जंक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया, और लिथोग्राफी जितना कम होगा उतना बढ़िया। अब आते हैं इसके मेमोरी पार्ट में। इस ग्राफिक्स कार्ड में दिए गए वीडियो मेमोरी का साइज है 2GB, टाइप है GDDR5, बस इंटरफेस है 64 बिट। अगर किसी ग्राफिक्स कार्ड का बस इंटरफेस है 128 बिट तो वह ज़्यादा बढ़िया होगा इस ग्राफिक्स कार्ड के तुलना में। क्लॉक स्पीड है 5012 MHz। ये सब हैं कुछ बिल्ट इन टेक्नोलॉजी इस असुस ग्राफिक्स कार्ड में दिए गए निविडिया ग्राफिक्स इंजन में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। अब आइए जानते हैं असुस ग्राफिक्स कार्ड के इनपुट के बारे में। यह ग्राफिक्स कार्ड उन सारे मदरबोर्ड पर फिट होगा जिसमें है PCI एक्सप्रेस स्लॉट। बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा अगर PCI एक्सप्रेस स्लॉट का जनरेशन है 2.0 या फिर 3.0 या फिर 4.0 और आगे जो भी आए। और बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा अगर स्लॉट का साइज है 8X या फिर 16X। अब आइए जानते हैं इसके आउटपुट के बारे में। यह सपोर्ट करेगा 1:3 डिस्प्ले को। मैक्स रेजोल्यूशन होगा 2560x1600। इसमें दिए गए आउटपुट पोर्ट्स हैं D-Sub, DVD एंड HDMI। दोस्तों अब आप जानते हैं असुस जीफोर्स जीटी 710 ग्राफिक्स कार्ड के प्रोज और कॉन्स। इसका बिल्ड एंड डिजाइन काफी बढ़िया है। यह स्मूथली प्ले करेगा सभी तरह के पॉपुलर गेम्स और यह ग्राफिक्स कार्ड परफेक्ट है प्रोफेशनल वर्क्स के लिए भी। जहां तक कॉन्स की बात है तो यह परफेक्ट नहीं है एडवांस्ड गेमिंग के लिए। दोस्तों असुस ब्रांड इस निविडिया ग्राफिक्स कार्ड को खरीदने का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
दोस्तों, अगर आपको यह प्रेजेंटेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।